के गांव मलकपुर माफी में उस समय हड़कंप मच गया जब 37,000 विद्युत करंट की चपेट में आकर एक पशु की जान चली गई, जिसको लेकर मजदूर परिवार के घर कोहराम मच गया। जिसने भी यह समाचार सुना वह घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा और घटनास्थल पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव मलकपुर माफी के कुछ बच्चे अपने पालतू पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले गए थे, तभी भट्टे के पास खंभे से लटके तार की चपेट में मजदूर किसान का एक पशु आ गया। जब तक कोई मामले को समझ पाता तब तक पालतू पशु की तड़प तड़प कर मौत हो गई। बच्चों द्वारा इस बात की सूचना घर पर दी गई। गांव के दर्जनों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बिजली विभाग पर भी आरोप लगाने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यह लाइन 37,000 बिजली करंट की लाइन है और तार जमीन से लटके हुए हैं। लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य सोनू द्वारा बताया गया, यहाँ ये सब ऐसा हुआ, ये डोर चुकाने आए बच्चे जी, ऊपर से भी एलटी टूटी हुई है इनकी, ये 60-62 हज़ार रुपए की तनख्वाह पाते हैं, 80,000 रुपए की इन लोगों की। आज संडे के दिन हमने जेई साहब के साथ फोन करा, अभी उन लोगों ने ये कहा, बोले सर मैं दिल्ली हूँ, मैंने ये कहा उनसे, मन कीजिए आप योगी जी के द्वारा बैठे हुए हैं, आप ये ड्यूटी साहब इनकी संडे के दिन छुट्टी रहती है क्या रहता है? कितने का नुकसान हो गया हुआ जी? लगभग 80,000 का है सर। अच्छा, गुजारे का यही तरीका था, आप क्या करेंगे? जी, जी, जी। आप कैसे करेंगे अपना काम? आप कैसे करेंगे साहब, जब यहाँ से मिलेगा, जब ये बच्चे का सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से इतना बड़ा लाभ चाहते हैं, आजकल ये भी गरीब के बच्चे पलते रहे और हमारा भी काम हो जाए। अब जब बिजली वालों से कहा तो क्या जवाब दे रहे हैं वो? बिजली वाले तो सरकारी नौकर तो कोई नहीं आया, ठेके वाले आ रहे हैं साहब। जब योगी जी ने लाइट ठेके में दे रखी है तो सरकारी कर्मचारी सुधरेगा कौन? इस दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अभी 5 दिन पहले भी एक महिला अपने पशुओं के लिए चारा लेने आई थी कि इस बिजली के तार में करंट की चपेट में आ गई। हमारे संवाददाता ने जब इस विद्युत करंट की चपेट में आई महिला से बातचीत की तो महिला द्वारा बताया गया कि वह अपने पशुओं के लिए चारा लेने आई थी कि जमीन से लटके तारों में उलझ गई और उसके शरीर में भी बिजली का करंट लगने से उस महिला का एक हाथ और एक पैर बुरी तरह झुलस गया। अपनी बात को बताते हुए बिजली के करंट से झुलसी महिला के पति द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। बत्ती ने पकड़ी, यहाँ पे जो घास काट रही थी चारा। अच्छा, कब की बात है ये? ये तो है बुद्ध के दिन की। हाँ, बुद्ध के दिन की। बिजली वाले देखने आया अभी तक इन्हें? नहीं, ना, 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 कोई ना आया। इलाज कैसे कर रहे हो आप इनका? साफ कर्जा करके भट्टे पर से कर्जा लेकर लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें सहारा मिल जाए, ठीक हो जाए। तो वहीं कुल मिलाकर बिजली विभाग की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायत की जा रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया गया और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना था कि अगर ऐसे ही हादसे होते रहे तो फिर बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।